नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इन दिनों नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में एनएच का हाल जो है काफ़ी खस्ता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सालों पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को एनएच का काम सौंपा था, पर सालों बीतने के बाद भी ये काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। लोगों को उनके गाड़ियों में एनएच के रोड से जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। साथ ही साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि प्राइवेट और एसटीएस बसेस जो एटीआर रूट में चलते हैं, इन बसेस को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार कई एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं इस नेशनल हाईवे पर फिर भी इस हाईवे का हाल जो है इतने सालों बाद भी सुधरा नहीं है। यहाँ पर अंडमान में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी अगर एनएच इस रोड को पूरी तरह से नहीं बना पाता है और इसको कम से कम मोटरेबल भी नहीं करता है लोगों की सुविधा के लिए, तो ये काफ़ी परेशानी की बात है। इस वक्त हमारे साथ श्री ज्योतिर्मय बवाली जी जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। बवाली जी जो है कदमतला से बिलोंग करते हैं। सर, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में आज जो है काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ा समस्या तो रोड का है। सभी लोग कहते हैं कि रोड का जो है कंडीशन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सर, अभी ATR कंस्ट्रक्शन में है NH4 जो है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर रही है। सर, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है बनने में, और रोड मोटरेबल क्यों नहीं बना पा रहा है सर NHAI? सबसे पहले तो निकोबार टाइम्स के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज आपका मीडिया के माध्यम से तो बात कहने की मौका मिली। स्पेशली पोर्टबेयर में आना जाना हमेशा रहता है, डिगलीपुर से लेकर के पोर्टबेयर तक मैं काम देखता हूँ। सबसे बड़ा अभी लोगों का नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है NH के रोड, क्योंकि आपको पता है और अंडमान निकोबार के सभी लोगों को पता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले राजमार्ग की घोषणा की थी। 333 किलोमीटर का राजमार्ग का घोषणा हुआ था, और उसके बाद में 10 साल उस राजमार्ग के विषय में कोई काम नहीं हुआ। मोदी जी आने के बाद राजमार्ग को नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान को जोड़ने के लिए दो दो ब्रिज और हमारा 272 किलोमीटर का जो सड़क निर्माण का 4 लेन था, फिर उसका प्रॉब्लम को देखते हुए, ज़मीन की प्रॉब्लम है वो देखते हुए 2 लेन को किया गया है। और ये स्पेशली बाराटन से लेकर के डिगलीपुर तक का बीच बीच में पेंच जो है इतनी ख़राब है। अभी मैं कल ही पोर्टबेयर आया हूँ, बाराटन में तो बस में आने की लाइक नहीं, छोटे छोटे गाड़ी लेकर के जो लोग जा रहे हैं, हर एक दिन कुछ ना कुछ उसके साथ में घटना घट रहा है। हर एक दिन में लोग माया बंदर नहीं पहुंच पा रहे, अपने गाड़ी का किसी किसी का वेल नट निकल जाता है, किसी किसी का कोई डिफेंसर निकल जाता है, तो इतना प्रॉब्लम में है लोग। और कारण क्या है, जब कंपनी से पूछा जाता है तो कंपनी कोई जवाब नहीं देता है। उनके पास मटेरियल्स है नहीं है उसके भी पता नहीं, लेकिन काम में विलम्ब हो रहा है 4 सालों से। क्या आप सोच सकते हैं? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वो एजेंसी को जो चिड़िया टप्पू से लेकर के एकदम जिरगाटन तक बहुत अच्छा रोड बनाए हैं, और सेम टाइम में जो वर्क हमारा नॉर्थ मिडिल को दिया गया वो आज तक संपन्न नहीं हो रहा है। मैं अंडमान निकोबार के लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए मोदी जी आने के बाद विकास के लहर अंडमान तक दौड़ पड़ी है, विकास के लिए फंड करोड़ों करोड़ रुपया दी गई है, लेकिन मोदी जी आकर के तो सड़क में खड़ा होकर काम नहीं कराएगा ना। तो काम यहाँ के लोगों को देखना है, कंपनी को देखना है, यहाँ के प्रशासन को देखना है, पदाधिकारी को देखना है। मैं ये विषय बोलना चाहता हूँ, और प्रशासन को भी मैं अनुरोध करता हूँ कि इस विषय में ध्यान दें और क्यों काम नहीं हो रहा है। अभी रेनी सीजन है, मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद जो है मेरे ख्याल से बहुत व्हीकल्स जो है लेकर के लोग नहीं जा पाएंगे, ऐसा परिस्थिति होने वाला है। उससे पहले मैं फिर से निवेदन करता हूँ प्रशासन को, इसके ऊपर ध्यान दे, और कम से कम मोटरेबल अभी अगर कोलतर नहीं कर पाते हैं तो कोई विषय नहीं, ब्लैक टॉप नहीं कर पाते हैं तो कोई विषय नहीं, कम से कम मोटरेबल रोड जो लोगों को मिल जाए, आने जाने की सुविधा मिल जाए। और जब इसके लिए समय आएगा, जब धूप काल आएगा, तब कम से कम रोड का जो NH के काम समापन करें, यही आशा करता हूँ।